फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री पार्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर.के. लक्ष्मण। महेंद्र वॉज अ जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर इन अ फर्म। हिज जॉब वॉज टू सुपरवाइज द वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट। वंस द जॉब वुड बी ओवर, ही यूज्ड टू बी शिफ्टेड टू अनदर कंस्ट्रक्शन साइट। Thus, the nature of his job was to move from one place to another place. ये जो chapter है ईश्वरन the storyteller, इसमें दो main characters हैं। First character है महेंद्र, जो एक junior construction supervisor है, और second character है ईश्वरन, जो बहुत ज़्यादा अच्छा cook है, domestic helper है, और बहुत ही अच्छा storyteller है। वो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा entertainer है। इस स्टोरी का फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है महेंद्र, वो जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र है, और उसका जो जॉब है वो है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो वर्क होते हैं उसको सुपरवाइज करना। और उसका जो जॉब है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता रहता है। अगर एक जगह का कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहाँ के वर्क कम्प्लीट हो गया तो उसको दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे जगह सुपरवाइज करना पड़ता है। तो उसका जो जॉब है, उसका नेचर है यहाँ से वहाँ मूव करना, मतलब उसका ऐसा जॉब है जिसमें उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज करना पड़ता है जब उसका फर्स्ट जॉब, फर्स्ट साइट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। महेंद्राज नीड्स वर सिंपल, एज ही वॉज अ बैचलर। ही हैड केप्ट अ सर्वेंट नेम्ड ईश्वरन फॉर डोमेस्टिक वर्क। ईश्वरन फॉलोड महेंद्र विदाउट एनी कंप्लेंट। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड क्लीन्ड हिज शेल्टर। इन लेजर टाइम ईश्वरन रीड्स तमिल थ्रिलर स्टोरीज, एंड दिस अफेक्टेड हिम सो मच दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट लाइक अ फॉलन ट्री अपीयर्ड टू हिम अ बशी बीस्ट। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन डिटेल्ड एंड वेव्ड अ न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल एंड हॉरर टू महेंद्र एवरी डे। ही प्लेड द रोल ऑफ अ टीवी इन प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट टू महेंद्र। महेंद्र की नीड्स बहुत सिंपल थी, और वो बैचलर था, और उसने एक सर्वेंट रखा हुआ था जिसका नाम था ईश्वरन, जो उसके पूरे घर के काम करता था, डोमेस्टिक वर्क करता था। और ईश्वरन जो था महेंद्र के हर ऑर्डर को फॉलो करता था बिना किसी कंप्लेंट के, वो कभी कंप्लेंट नहीं करता था। और वो महेंद्र के लिए खाना पकाता था, वो बहुत अच्छा कुक था, वंडरफुल कुक था, और उसके कपड़े धुलता था, उसका शेल्टर वॉश करता था। और ईश्वरन को वो खाली टाइम में जब रिलैक्स करने का टाइम होता था तो ईश्वरन को वो तमिल थ्रिलर स्टोरी सुनाता था, और वो जो स्टोरीज होती थी वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसका प्रभाव हुआ था। क्योंकि अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता था तो जो महेंद्र का सर्वेंट था जिसका नाम ईश्वरन था, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। ऐसा लगता था अगर कोई छोटा सा पेड़ गिर गया है तो उसको लगता था कि ये भूत शैतानों की हरकत है, या तो फिर वो बहुत हॉरर और थ्रिलर वे में सोचता था। ईश्वरन जो था किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और वेव्ड वे में सुनाता था, उसको और ज़्यादा थ्रिल और हॉरर बना देता था, और फिर उसको महेंद्र को डेली सुनाता था। और वो महेंद्र के लिए एक टीवी का रोल प्ले करता था, महेंद्र का फुल इंटरटेनमेंट उसका सर्वेंट करता था। और उसके घर में टीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका जो फुल इंटरटेनर था, उसका जो फुल केयर करने वाला था, उसका इंटरटेनर और उसका केयर करने वाला सब उसका नौकर था, उसका सर्वेंट था, जिसका नाम था ईश्वरन। वंस ईश्वरन टोल्ड महेंद्र अ स्टोरी अबाउट हिज स्कूल डेज, डिस्क्राइबिंग अ टस्कर वाइल्ड एलिफेंट एंड हाउ ही बिहेव्ड व्हेन ही गॉट मैड। द टस्कर एस्केप्ड आउट ऑफ अ टिम्बर यार्ड, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट केम इन हिज वे। इट इंटर्न्ड ईश्वरन्स स्कूल। Everyone there was terrified, but not Ishwaran. He grabbed a cane from a teacher's
hand and faced the mad tusker boldly. He hit sharply with the cane onto the third toe of one foot of the elephant, and it shivered and collapsed. At this point, Ishwaran would leave the story and Mahendra remained in a dangling situation. एक दिन ईश्वरन जो था महेंद्र को अपने स्कूल डे की स्टोरी बता रहा था कि कैसे एक हाथी जो था, जंगली हाथी जो था, वो कैसे बिहेव कर रहा था जब वो पागल हो गया था। वो जो तस्कर था वो जहाँ पे बंधा रहता था या जहाँ पे रहता था टिम्बर यार्ड में, वहाँ से वो भाग गया था और फिर उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती थी उसको तहस नहस कर देता था, तोड़ दे रहा था और सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके बाद वो ईश्वरन के स्कूल के अंदर चला गया जहाँ पर उसको देख के, उस मैड एलिफेंट को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गए सिर्फ ईश्वरन को छोड़ के। लेकिन फिर उसके बाद ईश्वरन जो था उसने दिमाग लगाया, वो अपने टीचर के हाथ से एक कैन जो ली थी वो निया लिए थे, जो भी टीचर रहे उनके हाथ से एक कैन लिया और फिर उसके बाद जो तस्कर था, पागल हाथी था, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से मारा और फिर वो जो कैन था उसने बहुत अच्छे से हिट किया हाथी को उसके पैर तीसरे वाले फुट में, और एलिफेंट जो था वो एकदम कांप गया और वहीं पे कोलैप्स हो गया, गिर गया। और इस पॉइंट इसके बाद जो ईश्वरन था उसने स्टोरी ख़त्म की और फिर वहाँ चला गया। और महेंद्र जो था वो अपने ख्यालों में अपने सिचुएशंस को लेके कुछ सोच रहा था, वहीं पे बैठा था। On another occasion, one auspicious day, he waved a story about a ghost woman holding a fetus in her hands on a full moon night. Mahendra asked him to stop telling him such nonsense stories, as Mahendra did not believe in ghosts and there are no such types of figures. एक बहुत ही खास दिन जो ईश्वरन था वो फिर से एक स्टोरी वेव्ड करना शुरू कर देता है एक घोस्ट वुमेन के बारे में, जो अपना छोटा बच्चा अपने हाथ में लिए थी पूरे चांद वाले दिन, जो पूर्णिमा होती है उस रात को एक भूत औरत जो थी अपने छोटे बच्चे को हाथ में ली थी। थोड़ा थ्रिलर और हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा था वो अपने मालिक को। तो फिर जो महेंद्र था उसने ईश्वरन को बोला कि ये ऐसी नॉनसेंस स्टोरी सुनाना बंद करे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो घोस्ट में बिलीव नहीं करता, वो मानता है कि इस वर्ल्ड में जो घोस्ट हैं ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो ईश्वरन को उसने कहा कि वो चुप हो जाए और हमको ऐसी नॉनसेंस स्टोरी ना सुनाए। After a few days, Mahendra was woken up by some noise near his window sill during the night. First, he thought that it was some sort of animals like a cat, but the noise became louder and louder. When he peeped through the window, he thought that he saw a cloudy figure clutching a bundle near his window sill. Mahendra could not sleep anymore that night. In the morning, Ishwaran smilingly asked about the sound and the woman ghost. He also complained about how Mahendra had cheated him the other day. Mahendra was so upset that he resigned his side job immediately. कुछ दिन के बाद महेंद्र जब सो रहा था तो आधी रात को उसको अपनी खिड़की के पास से बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई एनिमल है जैसे कैट जो नॉइज़ निकाल रही है, लेकिन जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही थी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। पहले जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि एक क्लाउडी फिगर है, एक वुमेन घोस्ट जैसा कोई फिगर है जो अपने हाथ में एक फीटस लिए हुए है, एक छोटा बच्चा लिए हुए है। महेंद्र जो था वो अंदर आया, चेयर पे बैठ के सोचने लगा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, ये
ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब ऐसा ही सोचते सोचते वो पूरी रात सो नहीं पाया, और जब सुबह हुआ तो वो अपने ऑफिस के लिए जब रेडी हो रहा था तो जो उसका सर्वेंट था वो वहाँ पे आया स्माइल करते हुए, और उसने उससे पूछा कि क्या आपने रात को वो साउंड सुना और उस वुमेन घोस्ट को देखा। वो जो ईश्वरन था उसका सर्वेंट, वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर पाता इससे पहले जो महेंद्र था एक रिज़ाइन लेटर लेके अपने जॉब का जल्द से जल्द रिज़ाइन देना चाहता था। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।